नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आई वो हास्यास्पद हैं। फिर चाहे वो समझौता एक्सप्रेस को रोकना हो, बस सेवा रोकना हो, ट्रेड रोकना हो, हवाई स्पेस पर प्रतिबंध लगाना हो, इस पर किसी भी तरह भारत को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की पहले से मरी पड़ी अर्थव्यवस्था अब आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन इतने पर भी पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान पीएम की तरफ से उलझुल बयानबाजियां सामने आने के बाद अब पाक आर्मी चीफ कहां चुप रहने वाले थे। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा गुजरांवाला कोर मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने कश्मीर को लेकर बयान दिया। कहते हैं, कश्मीर में बिगड़ते हालात क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। यानी कि बाजवा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को क्षेत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। अब वो किस तरह के खतरे की बात कर रहे हैं वो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान और उसके नुमाइंदों से ज्यादा शांति को भंग करना और कौन जानता है। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का तो ऐसा बयान सामने आया है जिससे ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को भारत में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि भारत ही पाकिस्तान से बातचीत के लिए हाथ पैर मार रहा है। इमरान खान का कहना है कि जब तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने का फैसला नहीं पलटती, वहां लगाए प्रतिबंधों को खत्म नहीं करती, तब तक उसके साथ बातचीत संभव नहीं है। इमरान खान ने कहा कि भारत तत्काल प्रभाव से कश्मीर से अपनी सेना को हटाए, नहीं तो इमरान खान ने फिर एक बार भारत को युद्ध की धमकी दे दी है। अब जरा पाकिस्तान हमें ये बताए कि कंफ्यूजन कहां है। वो भारत ही था जिसने पाकिस्तान से बातचीत को बंद किया। वो भारत ही था जिसने पाकिस्तान पर आतंक पर लगाम नहीं कसने तक किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। वो भारत ही था जिसने पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान से बातचीत नहीं की। अब भला पाकिस्तान से भारत क्या, कोई भी देश बात करना ही नहीं चाहता। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत से बातचीत करने के लिए शर्तें रख रहे हैं, खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले इमरान खान जान लें कि भारत पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए शर्तें ना रखे, हम पाकिस्तान की किसी भी शर्त को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब तक आतंकवादी इसी तरह पाकिस्तान में पलते रहेंगे तब तक भारत का पाक के साथ रिश्ता मधुर नहीं होगा, बल्कि कटु ही बना रहेगा। और पाक आर्मी चीफ भी भारत को कितनी ही चेतावनियां क्यों ना दे लें, अनुच्छेद 370 पर भारत का फैसला अडिग है और आंतरिक भी। कोई भी बाहरी देश इसे बदलने के लिए भारत पर दबाव नहीं बना सकता।